हम आधुनिक मानव पिछले 10,000 सालों से एकमात्र मानव प्रजाति होने के इस कदर अभ्यस्त हो चुके हैं कि किसी दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में मानव वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने हमारी इस सोच को बदलते हुए बताया है कि वास्तव में होमो सेपियंस मानव प्रजातियों की महज एक किस्म है। आज से तकरीबन 1,00,000 साल पहले पृथ्वी कम से कम 7 मानव प्रजातियों का निवास स्थान हुआ करती थी और इस दिशा में खोज की दर इतनी तेज है कि साल दर साल मानव वंश वृक्ष में नए नए नाम जुड़ते आ रहे हैं। होमोजीनस प्रजातियों में होमो सेपियंस मानव की नवी प्रजाति है। इससे पहले 8 पूर्वज धरती पर पहले से ही मौजूद थे। लगभग 24,00,000 से 14,00,000 वर्ष पूर्व शोधकर्ताओं को तंजानिया में एक प्रारंभिक मानव के जीवाश्म मिले हैं। इन जीवाश्मों में बानरों की तुलना में थोड़ा बड़ा दिमाग था। उस जगह के आसपास हजारों पत्थरों के औजार मिले हैं और वैज्ञानिकों को लगा है कि औजार इन्हीं प्राचीन मानव के बनाए होंगे, अतः उन्होंने इस प्रजाति को हैंडीमैन अथवा होमो हैबिलिस कहा था। माना जाता है कि होमो हैबिलिस लगभग 24,00,000 वर्ष पूर्व विकसित हुए थे और इसे बानर जैसी विकसित होमो जीनस का पहला सदस्य माना जाता है। यह मानव आकार में छोटा था और इसका वजन लगभग 30 किलोग्राम था। यह 3.5 से 4 फीट लंबा रहा होगा। हम यह भी जानते हैं कि होमो हैबिलिस जटिल औजार बनाने में सक्षम थे। वे इन औजार से जानवरों का शिकार भी किया करते थे। शुरुआत के लगभग 10,00,000 वर्षों तक वे होमो जीनस के सदस्य रहे। उसके बाद लगभग 19,00,000 वर्ष पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए थे। होमो इरेक्टस पहली ज्ञात मानव प्रजाति है जो पूरी तरह से सीधा खड़े होने में सक्षम थी। होमो इरेक्टस के शारीरिक अनुपात आधुनिक मानव जैसे थे। धड़ की तुलना में छोटे हाथ और लंबे पैर जो उन्हें पेड़ों पर चलने की बजाय चलने और दौड़ने के लिए अनुकूलित हैं। इसके अलावा यह पहली मानव प्रजाति है जिसका मस्तिष्क बानरों की तुलना में काफी बड़ा था। उनके दांत भी छोटे थे और संभव है कि इससे उन्हें मांस खाने में आसानी होती होगी। लंबे शरीर और बड़े दिमाग को पर्याप्त ऊर्जा देने में प्रोटीन का बड़ा योगदान रहा होगा। वैज्ञानिकों को होमो इरेक्टस के अवशेष कैंप फायर और चूल्हे जैसी जगहों पर मिले हैं। संभव है कि वे अपना भोजन पकाकर खाने वाली पहली प्रजाति रही होगी। खाना पकाना एक विशिष्ट मानव गतिविधि है जिससे हमें आसानी से पचने योग्य भोजन मिल सके और वह हमारे दिमाग एवं शरीर को बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देती थी। होमो इरेक्टस एक बड़ी ही सफल प्रजाति थी जो हमसे लगभग 9 गुना लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहे थे। उसके बाद लगभग 13,00,000 वर्ष पहले होमो रूडोल्फेंसिस अस्तित्व में आए। होमो रूडोल्फेंसिस के बारे में बहुत कम जानकारी है। 1972 में रूडोल्फ झील के तट पर होमो रूडोल्फेंसिस के जीवाश्म मिले हैं। होमो रूडोल्फेंसिस का ब्रेन केस होमो हैबिलिस की तुलना में काफी बड़ा था, जो इस बात का संकेत देता है कि यह एक मानव प्रजाति थी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि इसके कमर और कंधे के छोटे आकार और समानता के कारण इसे होमो के एक करीबी रिश्तेदार जीनस ऑस्ट्रोपिथेकस के साथ बेहतर समायोजित किया जाता है। और उसके बाद लगभग 7,00,000 वर्ष पहले होमो हैडलबर्गेंसिस अस्तित्व में आए। 1908 में जर्मनी के हैडलबर्ग के पास इस प्रजाति का एक बड़ा जबड़ा मिला। इसमें एक प्रीमोलर और 2 मोलरों को छोड़कर सारे दांत मौजूद थे। जर्मन वैज्ञानिकों ने इसे हैडलबर्गेंसिस का नाम दिया। कहा जाता है कि यह लगभग 7,00,000 वर्ष पहले होमो हैडलबर्गेंसिस और पूर्वी अफ्रीका में विकसित हुए। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये छोटे कद और चौड़े शरीर वाले जीव थे। यह ठंडी जगहों पर रहने वाले पहले मानव थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
वह हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।